हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एनडीए के 2012 के पेपर वन से एक वेक्टर्स की प्रॉब्लम लेके आया हूं। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में उन्होंने दो वेक्टर दिए हैं, आई माइनस एक्स जे माइनस वाई के एंड आई प्लस एक्स जे प्लस वाई के, और उन्होंने बोला है कि दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, हमें एक्स और वाई का लोकस फाइंड करना। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस प्रॉब्लम को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने प्रॉब्लम ट्राई करी होगी और आप लोगों से प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई होगी। देखिए, इस प्रॉब्लम में इन्होंने ये दे रखा है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं आई माइनस एक्स जे माइनस वाई के और आई प्लस एक्स जे प्लस वाई के ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है तो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो आई माइनस एक्स जे माइनस वाई के का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई प्लस एक्स जे प्लस वाई के इज इक्वल टू जीरो। ये हमें कंडीशन पता है। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें लोकस ढूंढना है पॉइंट एक्स और वाई का। इसका मतलब यह है कि हमें एक इक्वेशन ढूंढनी है या ऐसा एक रिलेशन ढूंढना है जिसको एक्स और वाई सेटिस्फाई करते हो। उसके बाद हम उस इक्वेशन को या उस रिलेशन को रिकॉग्नाइज करेंगे और ये बताएंगे वो क्या शेप फॉर्म करता है। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो आई डॉट आई का इधर वन मिल जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूं या मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जो वन सेंटीमीटर रेडियस का है और जिसका सेंटर ओरिजिन है, जिसका सेंटर ओरिजिन है। अगर मैं इसे प्लॉट करना चाहता हूं तो अगर ये मेरी वाई एक्सिस है और अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो जो मेरा सर्कल बनेगा, ये मेरा सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। और फिर मेरी यहां से ऐसे मेरी ये एक्स एक्सिस होगी, ऐसे मेरी ये वाई एक्सिस होगी और ये मेरा ओरिजिन होगा जो कि 0,0 होगा और इसका जो रेडियस है ये 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर नंबर सी। उम्मीद है आपको प्रॉब्लम पसंद आई होगी। ऐसी और प्रॉब्लम्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू।